नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। बहुत दिन से एक आप सभी के मन में एक क्यूरी मैं देख रहा हूं और कमेंट सेक्शन में ये चीज़ मैं देखते रहता हूं कि आप सभी हमेशा पूछते रहते हो कि क्या SSC CHSL 2018 में टाइपिंग के बाद जब फाइनल लिस्ट जब आएगी उसके बाद मेडिकल में जब सिलेक्शन होता है क्या उसमें भी लोग छटते हैं। ये डॉट तब से ज़्यादा क्रिएट हुआ था जब मैंने BRO के ऊपर वीडियो मैंने बनाया था, BRO इन सिलेक्टेड कैंडिडेट 2017। वहाँ पर कुछ उस लोगों ने कमेंट कर रखा था कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो कि हैं फेल कर रहे हैं, मतलब कि और एक दो कमेंट ऐसे भी आए थे कि 25 लोगों के ग्रुप में 3-4 लोगों को ही फिट घोषित किया जा रहा। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ SSC CHSL 2017 में ये BRO पोस्ट को इंक्लूड किया गया था फर्स्ट टाइम, एंड वहाँ पर मेडिकल की कंडीशन बहुत ही लंबी चौड़ी थी, ठीक है, और सिर्फ उसी में उतना टाइट मेडिकल लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि BRO का पोस्ट जो कि था आपका सिर्फ और सिर्फ CHSL 2017 की एग्जामिनेशन में ही इंक्लूडेड है और वो किसी भी एग्ज़ाम में इंक्लूड नहीं है। CHSL 18 में आपका BRO नाम के कोई भी डिपार्टमेंट आपको दिख नहीं सकता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ CHSL 17 में LDC पोस्ट के लिए इन BRO डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट किया गया था, 18 वाले में ये नहीं है। तो अभी से ही डरने की कोई भी बात नहीं है। जो भी आपका मेडिकल और फिजिकल टेस्ट जो कि होता है कुछ कुछ पोस्ट में, वो आप सभी का बहुत ही नॉमिनल होता है, बहुत ही कम होता है, उसमें बहुत ही इजीली मेडिकल लिया जाता है और आप उसमें बहुत ही आसानी से पास कर जाते हो। तो अभी से इस चीज़ को लेकर के डरना कि कहीं हम ये सभी के सभी पास करने के बाद कोई ऐसा पोस्ट नहीं हो जिसमें कि हम फेल कर जाएँ। मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ के लिए मैंने बोल रखा है, कलर ब्लाइंड पोस्ट को लेकर के। कलर ब्लाइंड का एक पोस्ट जो कि होता है, एक नहीं उसमें कुछ कुछ हैं डिपार्टमेंट जिसमें कि अगर आपके पास कलर ब्लाइंडनेस अगर है और वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे अगर उन्हें पता चलता है मेडिकल टेस्ट में तो आपको वो बाहर कर देते हैं। उन सभी पोस्ट को देख करके फिलअप कीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है, सबसे पहले तो आप सभी जा करके अपना एक इलाज करवा लें कि आपके आंखों में कलर ब्लाइंड है या नहीं। ये बहुत ही आसानी से किसी भी आंख वाले दुकान पे, सॉरी दुकान नहीं आंख वाले हॉस्पिटल में जा करके आप चेकअप करवा सकते हो, और चेकअप करवाने के बाद अगर आपको निकलता है तो जो आपका वैकेंसी टेबल आपका दिया हुआ है उसके बस साइड में सबसे लास्ट में लिखा हुआ कलर ब्लाइंडनेस में यस या नो। तो जहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस नो लिखा हुआ है उन सभी पोस्ट्स को आपको अप्लाई नहीं करना है। इस चीज़ को सबसे पहले तो बस ध्यान रखें, ठीक है। तो ये जो आपका डाउट था कि मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट में लोग बाहर होते हैं या नहीं, आशा करूँगा कि इसका डाउट जो कि है आप सभी के मन से क्लियर हो गया होगा और अब जो कि है आप सभी इस कमेंट को बार बार नहीं करेंगे, ठीक है। और एक बात कर लेता हूँ पोस्ट प्रेफरेंस वाली फॉर्म को लेकर के, उसे भरना कैसे और क्या क्या करना है उसमें, उसके बारे में मैंने आप सभी को बोला था कि मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 12 तारीख तक मैं उस वीडियो को लेकर के चले आऊँगा। उस वीडियो को मैं नहीं ला पाया क्योंकि मैं घर पे, मतलब मैं पटना में था नहीं और मैं चला गया था, एक्चुअली नाना जी का डेथ हो गया था, ठीक है। तो वहाँ पर मैं चला गया था और वहाँ पे 3 दिन मेरे, मतलब कि वहीं पर था, तो वो मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। आप बस मुझे टाइम दीजिए मंडे ट्यूजडे तक, ठीक है, मतलब आज हो गया आपका फ्राइडे, आप बस ट्यूसडे तक मुझे टाइम दीजिए, उस दिन मैं आप सभी के लिए वो वीडियो लेकर के डेफिनेटली आ जाऊंगा, ठीक है। सो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। और वैसे भी आपका अभी टाइपिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेट से ही स्टार्ट होना है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत टाइम अगर लेता भी हूँ तो मतलब कि आप सभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि हर चीज़ को देखते हुए मैं उसे लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे ही ला करके आप सभी के सामने बता दूंगा कि इन सभी पोस्ट को 1, 2, 3 पे फॉर्म फिलअप करना है, और मतलब कि वो सही नहीं हो पाएगा, मतलब कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट निकल जाएगा तो वो आप सभी के लिए भी दिक्कत वाली बात है, ठीक। तो आशा करूँगा कि इसके लिए आप सभी थोड़ा बहुत वेट करेंगे। और भी अगर कुछ भी आपका अगर क्यूरी अगर होगा तो आप इस वीडियो के
कमेंट सेक्शन में आप उसे पोस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ मैं एक और बात में बोलूँगा, अभी से टाइपिंग रिलेटेड जितने भी सारे क्यूरीज हैं आप उन पे फोकस कीजिए। टाइपिंग को लेकर के सबसे ज़्यादा आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग एक मेन एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट है टाइपिंग को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से मैं आप सभी कमेंट लेकर के वीडियो बना दिया करूँगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। आशा करूँगा कि ये वीडियो आप सभी को पसंद पड़ा होगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे और इसे लाइक कमेंट शेयर, और अगर चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। चलता हूँ मैं, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।